पिछले काफी समय से अपने ही विभाग से एसीपी समेत कई अन्य अधिकार की मांग कर रहे आवास विकास परिषद के अवर अभियंता डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं विकास परिषद के बैनर तले एक बार फिर धरने पर बैठ चुके हैं। धरने पर बैठे परिषद के कर्मियों का कहना है कि आदेश के बावजूद भी उसका अनुपालन न करना सरकार की छवि को धूमिल करने की एक साजिश है। आंदोलनकारी कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनको उनका अधिकार नहीं मिला तो वह आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना है कि आवास विकास परिषद में मार्च 2018 से सप्तन वेतनमान लागू हो चुका है। उस समय से ही 2003 और 2007 बैच के इंजीनियर समेत तमाम परिषद के अन्य कर्मियों को एसीपी की सुविधा दी जानी है। सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवास आयुक्त की चौखट पर फरियाद लगाई गई, लेकिन यहां से इनकी अर्जी को शासन में भेज दिया जाता है और फिर शासन से ब्यूरो में भेज दिया जाता। प्रदर्शनकारी कर्मियों की माने तो इस तरह ब्यूरो और आवास के बीच फाइल को लटकाकर काफी समय से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मियों का कहना है कि विभाग से अपना अधिकार मांगने के लिए अब दूसरा तरीका अपनाने पर विचार किया जा रहा है। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं विकास परिषद के अध्यक्ष किरण मिश्रा ने बताया कि उद्यम ब्यूरो और शासन में बैठे महज कुछ लोगों की वजह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि सरल और सहनशील स्वभाव होने के कारण वह अपने मुखिया यानी आवास आयुक्त और प्रमुख सचिव पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ उनको छला ही गया। अध्यक्ष के एन मिश्रा ने पूर्व की तरह जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती कराने और रिक्त पदों को भरने के साथ ही अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को बंद करने की मांग की। हमारे जो 2003 और 2007 बैच के इंजीनियर्स हैं उनको एसीपी की, इंजीनियर्स ही नहीं तमाम कर्मचारी हैं उनको एसीपी की सुविधा दी जानी है, और यह सुविधा के लिए आवास महोदय से बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन यहाँ से न करके शासन में भेज दिया जाता फाइल शासन से ब्यूरो में, और ब्यूरो वाले और आवास वाले फाइल बार बार लटकाते रहते हैं। 3 साल से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं होता है। इसी बात को हम लोगों ने कहा कि अब लड़ाई हमको दूसरे रूप में लड़नी पड़ेगी, ये हमने अपनी आवाज़ उठाई है। वजह क्या है कि 3 साल से आप लोग लगातार जो है पत्राचार कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जो मूल मैंने समझा है उद्यम ब्यूरो के लोग हैं और शासन में बैठे लोग हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि आवास विकास के इंजीनियर्स या स्टाफ बहुत ही सरल स्वभाव का है और सहनशील है, या अपने जो मुखिया हैं आवास आयुक्त और प्रमुख सचिव इन लोगों पर काफ़ी विश्वास करता है, और विश्वास में ही हम छले जा रहे हैं। लगभग 3 साल से हम इस मांग को उठा रहे हैं, दूसरी मांग भी हमने उठाई है, उस पर भी हम इनसे कह रहे हैं कि हमारी इस बात को सुना जाए। परिषद के बारे में भर्ती है, जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती 2016 में हमारी भर्ती की मांग गई थी, अध्याचन भेज दिया शासन को। हम कह रहे हैं कि हमारी भर्ती शासन से ना करके यहीं से आप मुख्यमंत्री महोदय से पूर्व की बात अनुमति ले लीजिए। जूनियर इंजीनियर रिजवान ने बताया कि उनके साथ न्याय न करना शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी न्यायप्रिय सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अपने दर्द का इजहार करते हुए रिजवान ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक एसीपी का लाभ दिया जाए, लेकिन इसे लागू न कर शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जो अधिकारी प्रशासन में बैठे हुए हैं, सरकार की न्यायप्रियता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये हमें दिखाना है। हम शांत प्रिय लोग कैसे विगत चार सालों से इस कष्ट को, इस दंश को झेल रहे हैं, इसके बावजूद परिषद प्रशासन को लगातार पत्राचार, अनुरोध, विरोध, अनुलोम, हम सब कुछ विनम्र निवेदन सब कुछ उनसे कर चुके, बावजूद इसके जो शासनादेश 3/1/2017 सार्वजनिक उद्यम अनुभाग 1 का है उसके पैरा नंबर 6 में यह स्पष्ट आदेश है कि राज्य कर्मचारियों की भांति सभी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया जाएगा। अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज, लखनऊ।